नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। नाटक के माध्यम से आमजन को नशे के खिलाफ किया जागरूक। रेड आर्ट्स ग्रुप के कलाकारों द्वारा अर्थिया उठाने से अच्छा है जिम्मेदारी उठा लो नाटक का किया गया मंचन। ऑपरेशन सीमा के तहत कार्यक्रम आयोजित। अनूप कई युवाओं को नशे से बचाने के लिए तथा नशे के दुष्प्रभावों से आमजन को अवगत करवाने के उद्देश्य से शुक्रवार को शहर के अग्रवाल धर्मशाला में ऑपरेशन सीमा के तहत जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन ने स्थानीय समाज सेवी संस्था महक फाउंडेशन और व्यापार मंडल के सहयोग से रेड आर्ट्स ग्रुप के कलाकारों द्वारा अर्थिया उठाने से अच्छा है जिम्मेदारी उठा लो नाटक का मंचन किया गया, जिसमें आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख एवं जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी तथा आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर स्वामी ने ऑपरेशन सीमा के तहत से जन जागृति कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए युवाओं को प्रेरित किया, तो वही जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने नौजवानों से नशे से दूर रहने तथा बॉर्डर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान दुश्मनों को ना बेचे, दुश्मनों की खबर और नशे के तस्करों की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। रेड आर्ट्स ग्रुप के कलाकार विक्रम ज्ञानी, सही राम लक्ष्या द्वारा नशे के खिलाफ आधारित पंजाबी नाटक अर्थियां उठाने से अच्छा है जिम्मेदारियां उठा लो दिखाया। नाटक के जरिए नशे के दुष्प्रभावों को और नशे के कारणों को समझाया। फिर कलाकारों ने नाटक के माध्यम से दिखाई कि एक तरफ बॉर्डर की रक्षा जवान कर रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर बसे गाँव के नौजवान नशे के लिए देश की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। जिन नौजवानों को देश के खिलाड़ी वन रक्षक होना चाहिए भी नशेड़ी बन रहे हैं। डीएस सारस्वत की खास रिपोर्ट। ना मैं चिट्ठी मंगूंगा, ना ही मंगूंगा गुब्बारा, मानित सबको ले जाऊंगा, नाजिद करूंगा दोबारा। हाजी बच्चियों ने बोले गया रो रही थी, मेरी घर आई थी भारियां कटी थी, उसको चिट्ठा दे जाऊंगा। वो बीनी है, वो बीनी के रोकना